बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब पहली क्लास की टीचर हूँ ऊपर सर्व फाउंडेशन स्कूल की तरफ से। आज हम इस्लामियात का बाब नंबर अव्वल पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा हरूफ तहजी। बच्चों, हरूफ तहजी आपने उर्दू में पढ़ रखी है, जैसे आपने उर्दू में पढ़ते हैं अली बे पे ते टे से, लेकिन अब हम हरूफ उसको वैसे नहीं पढ़ेंगे। ये हमारे नाजरा में कुरान में हरूफ तहजी मुख्तलिफ तरीके से पढ़ी जाती है, उसके कुछ वर्ड भी मुख्तलिफ अंदाज में लिखे जाते हैं, जैसे कि अलिफ बा। बा को आप होंठों को पहले मिलाएंगे, होंठों को मिलाने के बाद खोलेंगे तो उसको पढ़ेंगे बा। इसके बाद ता। ता को आप जमीन अपनी ज़ुबान को जो है वो हलक के साथ लगाएंगे, उस पढ़ेंगे ता। सा, सा आपने दोनों दांतों के दरमियान में जुबान लगा के फिर पढ़ना है सा। उसके बाद जीम, जीम जुबान दांतों को लगेगी और पढ़ेंगे आप जीम। हा, हा आप मुंह खोल के पढ़ेंगे हा। हा दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, दुआद। बच्चों, दुआद को आप दुआद भी पढ़ सकते हैं और जुआद भी पढ़ सकते हैं। त्वा, ज्वा, आइन, गैन, फा, काफ। काफ को हम इस जो दो नुक्तों वाला काफ होगा उसको हम काफ हलक के साथ जुबान लगा के फिर पढ़ेंगे काफ। उसके बाद हलक से जुबान निकालेंगे, ये दूसरा काफ है इसको हम पढ़ेंगे सॉफ्ट, बिल्कुल नरम सी आवाज़ में काफ। लाम, मीम दोनों होंठों को मिला के पढ़ेंगे मीम। नून, वाओ, हा, हमजा, या।